Water is current electricity, and in order to understand current electricity, first of all we have to understand what is charge. So charge kya hai? Charge is fundamental property of a body by virtue of which it shows electric effect. Charge ek body ki wo property hai jis wajah se wo electric effect dikhaye. What is electric effect? Electric effect का मतलब है कि एक चार्ज एक दूसरे चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए, या तो एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स लगाएगा, यही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट मान रहे हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है या तो अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ये तो हम समझ गए चार्ज क्या है। अब ये जो चार्ज है ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरह के होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो वैसे ये चार्ज होल्ड कौन करेगा? चार्ज इज बियर्ड बाई, चार्ज जो है वो हमारे एलिमेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह लीजिए, कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सारे। लेकिन बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही अपने एलिमेंटल पार्टिकल यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंटल पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह के होते हैं वही चार्ज को होल्ड करते हैं। तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम निगेटिव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम निगेटिव मानते हैं और इसकी वैल्यू लेते हैं -1.6 × 10⁻¹⁹ और प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव मानते हैं और इसकी वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻¹⁹ −19 कूलम। तो चार्ज दो तरह के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव। इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसको निगेटिव मानते हैं और उसकी वैल्यू है −1.6 × 10⁻¹⁹ −19 कूलम। एंड जो प्रोटॉन पे हम चार्ज मानते हैं वो मानते हैं +1.6 × 10⁻¹⁹ −19 कूलम। अगर देखा जाए तो दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस और माइनस यहाँ क्या दिखा रहा है? प्लस और माइनस बेसिकली यहाँ पे इसके नेचर को दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका नेचर अलग है और जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसका नेचर अलग है, ठीक। ये दोनों वैल्यू आप लोग मेमोराइज कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज। अब हम लोग चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं, लेट अस सी सम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम देखें
तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, ये निगेटिव इस निगेटिव को, ये निगेटिव इस निगेटिव को रिपेल करेगा। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, या फिर ऐसे देख लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जो चार्जेस है, पहली प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? इट स्टेट दैट कि अगर एक बॉडी, सपोज दैट ये एक बॉडी, तो इस बॉडी पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन बॉडी, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इसको ले लीजिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि दो तरह के चार्ज है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल भी होगा। क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक गुना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का दो गुना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का तीन गुना हो सकता है, और इसी तरह से चार गुना, पाँच गुना, छः गुना, सात गुना, आठ गुना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी के मल्टीपल में होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा, डेढ़ा, इस तरह से नहीं हो सकता है। ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कहता है? जैसे आप लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? ठीक वैसे ही अगर हम चार्ज की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, तो अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन, और कैसे, ऑलवेज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ किसी भी तरह का कोई भी एक्सचेंज ना कर रहा। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व, यानी उसका चार्ज बदलेगा नहीं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी
destroyed. चार्ज न तो बनाया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ये सिर्फ एक बॉडी या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर किया सकता है, ट्रांसफॉर्म. देखिए चार्ज पार्टिकल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ठीक वैसे जैसे एनर्जी था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म. उसी तरह चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन वो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. देखिए एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक इसका इफेक्ट क्या था, किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या किसी दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा. तो स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, है ना. तो एक चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके उसी को हम इसका, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. यानी इसके बाहर इसका इफेक्ट होगा लेकिन वो महसूस नहीं होगा, इट कांट बी एक्सपीरियंस्ड. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो मान लीजिए ये एक चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर हमें इस पॉइंट पे जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, अगर हमें इस पॉइंट पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट पे जाएंगे. दिस इज इनफाइनाइट. यहां पे एक टेस्ट चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज, और कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेंगे, उसको लेके इस पॉइंट तक आएंगे. मान लीजिए वर्क किए W, ठीक. तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा, उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे. इससे करेंगे V से, और V की वैल्यू कितनी होगी, रेशियो ऑफ वर्क डन टू चार्ज कैरीड. इसी को हम इस पॉइंट का क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे. जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए किसी चार्ज को पॉइंट तक लाने में हमने 10 जूल वर्क किया और वो चार्ज कितना है, किस चार्ज को लेके आए हैं, 2 कूलम चार्ज को लेके आए हैं. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट की होगी 10/2 यानी 5 वोल्ट होगी, ठीक. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज gives potential at that point. Okay student? Okay, अब हम देखेंगे potential difference. Electric potential difference. अब देखिए
मान लीजिए ये चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे, अगेन दिस इज टेस्ट चार्ज, हम टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे और टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट तक ले जाएंगे। मान लीजिए वर्क हुआ डब्लू, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जहां वी बी पोटेंशियल एट बी है और वी ए पोटेंशियल एट ए, किसके बराबर होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज कैरी, जिस चार्ज को ले गए हैं उसको ले जाने में किया गया वर्क और जिस चार्ज को ले, इनके रेशियो को ही हम क्या कहेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इसकी भी यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होगी वोल्ट, इसको भी वोल्ट से ही दिखाएंगे। क्लियर है, अब देखिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डील करें। अब देखिए सपोज दैट ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि कंडक्टर क्या होता है, कि कंडक्टर क्या होता है, तो अगर देखा जाए तो मटेरियल को, मटेरियल को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। ठीक, कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिनसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है। क्यों पास हो जाती है, क्योंकि उनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कंडक्टर कौन है, जो करंट करंट को बहुत इजीली कंडक्ट करेंगे और कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इंसुलेटर कौन होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो हमने क्या लिया है, हमने लिया है कंडक्टर। इस कंडक्टर में देखिए कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन, इधर उधर मोशन कर रहे हैं। अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, कैसे लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विथ हेल्प ऑफ बैटरी, हमने एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया। ठीक, ये हुआ वी वोल्ट की बैटरी है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लग गया वी वोल्ट। ठीक, तो मान लीजिए सपोज दैट एक हमने कंडक्टर लिया, उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब तक बैटरी नहीं कनेक्ट है तब तक रैंडम मोशन इधर उधर कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक बैटरी के हेल्प से एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, ये बैटरी का निगेटिव प्लेट, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा निगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव प्लेट की ओर या फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक फोर्स लगेगा, भाई ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर बहने लगेंगे, यानी ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स का
एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्डर्ड फ्लो, यानी एक डायरेक्शन में ही फ्लो मिलने लगेगा। यानी हमको सारे इलेक्ट्रॉन अभी रैंडम मोशन कर रहे थे, देखिए वेलोसिटी भी दी थी रैंडमली, लेकिन जैसे हमने बैटरी लगाया सब पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस एंड की ओर फ्लो होने लगे। यानी पहले जो इधर उधर जा रहे थे, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे पीछे जा रहे हो, वो सारे के सारे इस एंड की ओर फ्लो करने लगे। यानी कुछ ये सिचुएशन होगी ये बैटरी लगाने के बाद, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर ओवरऑल फ्लो करने लगे। ऑल्दो दे विल नॉट मूव एनी स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में नहीं चलेंगे, लेकिन तब भी वो पॉजिटिव एंड की ओर एनी हाउ पहुंचने लगेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज। यानी हम कह सकते हैं सारे चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगे ना, तो जब सारे चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो उनके फ्लो को, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, इसी फ्लो को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे सिंपल वर्ड में, उसको करंट कह देंगे। उसको क्या कह देंगे, करंट कह देंगे। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह देंगे, करंट कह देंगे। यानी फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। लेकिन अब सवाल यह है कि ये तो हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ गए कि हम करंट कह किसे रहे हैं, करंट की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कैसे करेंगे, जरा देखिए। मान लीजिए अगर इस कंडक्टर से 10 कूलाम का चार्ज, या फिर बेटर है हम कह दे रहे हैं क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है, तो इससे होके जाने वाला जो करंट होगा वो क्यू बाई टी होगा, ठीक। यानी अगर किसी कंडक्टर से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है तो हम कहेंगे उस कंडक्टर से कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। यानी यहां से हम करंट का एक और डिफिनेशन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी चार्ज किस रेट पे फ्लो हो रहा है उसको भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर, एम्पियर होती है, क्लियर है। जैसे अगर मान लीजिए 10 कूलाम चार्ज 2 सेकंड में फ्लो हुआ है तो कितनी करंट फ्लो हुई होगी, 10/2 5 एम्पियर, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो निगेटिव एंड की ओर जाता, ठीक, वो निगेटिव एंड की ओर जाता। तो हम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन होते, यानी करंट का डायरेक्शन ये होगा, यानी ऐसे, यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। और करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू।